गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग एंटीथेसिस विलोम या विरोध अलंकार का प्रयोग करेंगे। एंटीथेसिस क्या है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, इसके उदाहरण क्या है, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। एंटीथेसिस की परिभाषा, एंटीथेसिस ये फिगर ऑफ स्पीच या वह अलंकार है विच रिफर्स टू दी जक्स्टा पोजिशन ऑफ अपोजिंग, जो विरोध करने वाली स्थिति को प्रकट करता है, आर कंट्रास्टिंग आइडिया अथवा एक दूसरे के विपरीत विचारों का को प्रस्तुत करता है। फिर देखिए एंटीथेसिस इज ए फिगर ऑफ स्पीच या वह अलंकार है विच रिफर्स टू द जक्स्टा पोजिशन ऑफ अपोजिंग आर कंट्रास्टिंग आइडिया, जो विपरीत विचारों को या विपरीत अर्थ वाले स्थिति को प्रस्तुत करता है। इट इन्वॉल्व्स द ब्रिंगिंग आउट ऑफ या समझाने की कोशिश करता है ए कंट्रास्ट इन द आइडियाज या विचारों में विरोध को समझाने का प्रस्तुत का प्रयास करता है बाय एन ओबियस कंट्रास्ट अस्पष्ट विरोध के द्वारा। इन दर्स शब्दों के अस्पष्ट विरोध यानी विलोम शब्द का प्रयोग करके यह उनके बीच अंतर को समझाने का प्रयास करता है। क्लाजे या विरोधी उपवाक्यों का प्रयोग करके, आर सेंटेंसेस या विरोधी वाक्य का प्रयोग करके विथ ए पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर समानांतर व्याकरण संबंधित बनावट के साथ। फिर देखिए एंटीथेसिस इज ए फिगर ऑफ स्पीच, एंटीथेसिस वह अलंकार है विच रिफर्स टू दी जक्स्टापोजिशन, जो उस स्थिति को प्रदर्शित करता है आप अपोजिंग विरोध करने वाली स्थिति को प्रस्तुत करता है, आर कंट्रास्टिंग आइडिया या एक दूसरे के विरोध यानी विपरीत विचारों को प्रस्तुत करता है। इट इन्वॉल्व्स द ब्रिंगिंग आउट यह समझाने का प्रयास भी करता है आप द कंट्रास्ट इन द आइडियाज, विचारों में क्या विभेद, विचारों में क्या अंतर है यह समझाने का प्रयास करता है बाय एन ओबियस कंट्रास्ट इन द वर्ड्स, शब्दों के अंतर में, शब्दों के विलोम के माध्यम से, विरोध के माध्यम से, क्लाजेस उपवाक्य के विरोध के माध्यम से और उन वाक्यों के विरोध के माध्यम से विद इन ए पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, जो एक समानांतर व्याकरण संबंधी ढांचे में प्रयोग किए गए हैं। उसे थोड़ा यह सरल है इन एंटीथेसिस, ए कंट्रास्ट ऑफ वर्ड्स, विरोध या विलोम वाले अलंकार के अंतर्गत एक विरोध शब्दों का कंट्रास्ट, शब्दों का विरोध यानी उनके अर्थ में अंतर, आर एक्सप्रेशन शब्दों या अभिव्यक्ति का विरोध, आर यूज्ड प्रयोग किया जाता है विद सेम सेंटेंस एक ही वाक्य में, दो विलोम शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है या दो विरोधी अभिव्यक्ति विचारों को प्रस्तुत किया जाता है, टू सिक्योर इम्फेसिस और मतलब होता है दबाव डालने के लिए, जोर डालने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए। इन एंटीथेसिस ए कंट्रास्ट ऑफ वर्ड्स, एंटीथेसिस नामक अलंकार के अंतर्गत शब्दों का विरोध कंट्रास्ट ऑफ वर्ड्स आर एक्सप्रेशन, शब्दों या अभिव्यक्तियां या भावों या विचारों का विरोध, आर यूज विद द सेम सेंटेंस एक ही वाक्य में शब्दों या विचारों का विरोध प्रस्तुत किया जाता है और कारण होता है टू सिक्योर एम्फेसिस दबाव बनाने के लिए, जोरदार बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए शब्दों या अभिव्यक्तियों का विरोध एक ही वाक्य में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, देख रहे हैं प्रपोजेस का उल्टा डिस्पोजेस, प्रभावशाली बनाने के लिए वाक्य को और कथन को प्रभावशाली बनाने के आदमी प्रस्तावित करता है और ईश्वर को निपटा देता है, उसका समाधान कर देता है। स्पीच इज सिल्वर,
भाषण देना मतलब बोलना चांदी है, बट साइलेंस इज गोल्ड, लेकिन चुप रहना सोना है। अब यहां देख रहे हैं साइलेंस का उल्टा स्पीच, स्पीच और ये दोनों एक दूसरे के विरोधी अर्थ वाले हैं। टू एरर इज ह्यूमन, गलती करना मानव का स्वभाव है। टू फॉरगिव डिवाइन, लेकिन क्षमा कर देना दैवी है, ईश्वरीय गुण है। टू एरर इज ह्यूमन, गलती करना मानव स्वभाव है। टू फॉरगिव इज डिवाइन, और क्षमा करना दैवी है। अब इसमें देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, दो विचारों को प्रस्तुत किया गया है और एक ही वाक्य में, एक ही कंस्ट्रक्शन में। चौथा है गिव एवरी वन टू दाई ईयर, सबको अपना कान दो, बट फ्यू दाई वॉयस, लेकिन कुछ को अपनी आवाज दो। शेक्सपियर का, विलियम शेक्सपियर का यह लाइन है, कह रहा है गिव एवरी वन दाई ईयर, अपना कान सबको दो, मतलब सबकी बात सुनो। कान देने का तो सबकी बात सुनिए, बट फ्यू दाई वॉयस, लेकिन जुबान कम को दीजिए, यानी कम बोलिए, सबकी सुनिए लेकिन बोलिए कम, जवाब कम दीजिए। गॉड मेड द कंट्री बट मैन मेड द टाउन, ईश्वर ने दुनिया बनाई मतलब देश बनाया और आदमी ने शहर बनाया। गॉड मेड कंट्री, ईश्वर ने देश बनाया, बट मैन मेड द टाउन, और आदमी शहर बनाया। दो विचारों को, विरोधी विचारों को प्रस्तुत किया गया। काउपर, प्रॉस्पेरिटी डक बेस्ट डिस्कवर वॉज, समृद्धि अधिक से अधिक क्या करते, बुराई को ढूंढ सकती है। प्रॉस्पेरिटी डक बेस्ट डिस्कवर वॉज, बट एडवर्सिटी, लेकिन आपदा विपत्ति, एडवर्सिटी आपदा या विपत्ति, डक बेस्ट डिस्कवर वर्च्यू, लेकिन अगर विपत्ति आती है, आपदा आता है, कष्ट आता है, उसमें आदमी गुणवान हो जाता है, गुणों को सीखता है, गुणों को खोजता है। फिर देखिए प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी का मतलब अमीरी, समृद्धि, डेथ बेस्ट डिस्कवर वाय, समृद्धि में यानी अमीरी के अंतर्गत बुराइयां आती हैं, बट एडवर्सिटी डेथ बेस्ट डिस्कवर वर्च्यू, लेकिन आपदा या विपत्ति के अंतर्गत गुण प्राप्त होते। अर्थात लव इज एन आइडियल थिंग, प्रेम एक आदर्श वस्तु है, मैरिज इज ए रियल थिंग, लेकिन मैरिज जो है वह वास्तविक चीज है, गुथ है। लव इज एन आइडियल थिंग, लव एक आदर्श वस्तु, आदर्श चीज है, मैरिज इज ए रियल थिंग, लेकिन शादी जो है वह एक स्वाभाविक यानी वास्तविक चीज है, गुथ है। और लास्ट है मेनी आर कार्ड, बहुत बुलाए जाते हैं, बट फ्यू आर चूजन, लेकिन चुने कम ही जाते हैं, फ्यू आर चूजन। मेनी का उल्टा फ्यू आया हुआ है, बुलाए तो बहुत जाते हैं, लेकिन चुने कुछ ही लोग जाते हैं। मैथ्यू, यानी इसमें आप देख रहे हैं मुख्य रूप से कि एंटीथेसिस के अंतर्गत शब्दों या अभिव्यक्तियों के माध्यम से, दो विरोधी शब्दों या अभिव्यक्तियों के माध्यम से वाक्य को जोरदार बनाया जाता है, जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया जाता है।